अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलिमन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 7.3 ए का कंटिन्यू 8.3 ए। आज हम करेंगे 7.4 ए का कंटिन्यू 8.4 ए, जिसमें हमें बैलेंस शीट ही बनानी है। 7.4 ए हमने सॉल्व किया था जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, और अब हमें उसका कंटिन्यू करते हुए बैलेंस शीट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे वापसी लिख दी है, सामने आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ये हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी 7.4 ए में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप चाह रहे हैं देखना कि वो कैसे बनी थी, तो ऊपर आई बटन में यानी आपके पास आ रही होगी, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और बैलेंस शीट का पूरा पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूँ 8.1 में बिल्कुल डिटेल में। अगर आपको बैलेंस शीट का पैटर्न समझना है तो आप वो भी जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बैलेंस शीट में सबसे पहले आपके पास कंपनी का नाम आता है, जिस कंपनी के लिए आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। जैसे कि इस सवाल में हमें जी ग्राहम दिया हुआ था। मिडल में आपको बताना होता है कि आप वो क्या बना रहे हैं, जैसे बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो वो आप मैंशन करते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर बीच में बैलेंस शीट लिख दिया। एंड में आपके पास आती है डेट कि किस डेट के एंड में आप ये बना रहे हैं। तो 30 जून 2018 को मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ, यानी मैं जून की बना रहा हूँ। तो ये बैलेंस शीट का पैटर्न है। और उसके बाद आपके पास दो कॉलम्स होते हैं, एक एसेट्स का और एक करंट, एक एसेट्स का और एक लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल का। एसेट्स एक तरफ, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स का जोड़ एक तरफ, तो दोनों इक्वल आते हैं, तो हम बोलते हैं हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सही बना है, सवाल में कोई मसला नहीं है, बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट, जो कि हमारे 12 महीने से पहले जिसमें चेंजेस आती रहती हैं, वो एसेट होते हैं। जैसे कि आपके पास कैश, बैंक में पैसा, अकाउंट में जो आपके पैसे होते हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो 12 महीने में जिसमें ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं। तो हम अपने ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि हमारे पास करंट एसेट में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो डेप्टर्स 44,1516। देखिए मैं सबसे पहले कैश लिख लेता हूँ। कैश यहाँ पर नहीं दिया हुआ, बैंक में दिया हुआ है, कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट में, तो मैं इसको खाली बैंक लिख लेता हूँ। यह हमें वैल्यू दी हुई है 11,346, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैंक, या फिर कैश इन बैंक भी बोल सकते हैं आप इसको, 11,346, ठीक है। उसके बाद आपके पास है डेप्टर्स, हमें नज़र आया था डेप्टर्स की वैल्यू है 44,516 पाउंड, तो मैं यहाँ पे डेप्टर्स लिख देता हूँ 44,516 पाउंड। उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री, जो कि हमारी स्टॉक होती है, वो हमारे पास थी 29,304। यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ तीनों का सम, तो ये आ गया है 85,166। खाली करंट एसेट्स का, अभी हमने फिक्स्ड एसेट को कैलकुलेट नहीं किया है। फिक्स्ड एसेट में हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। तो फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले मुझे जो नज़र आ रहा है वो लॉरी, लॉरी आपके वो बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं वगैरह, उसमें वो आपकी है 19,400। तो ये आपके लॉन्ग टर्म में आते हैं, फिक्स्ड एसेट में आते हैं, जो 12 महीने के बाद भी आप उसको प्लान करके रहते हैं, ये नहीं कि आप 12 महीने के अंदर ही उसको बेच देंगे। और उसके बाद आपके पास होते हैं फिक्स्चर्स, एसी वगैरह, पंखे जो आपके ऑफिस में होते हैं, इस टाइप की जो चीज़ होती है वो आपके फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स में आते हैं। 4,600 इसकी वैल्यू है पाउंड्स में, 4,600 फिक्स्चर्स। उसके बाद आपको कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं फिक्स्चर्स की। शॉप आपकी एसेट्स है, शॉप आप लंबे पर्पज़ के लिए लेते हैं, बहुत ये नहीं कि आप लेते हैं कि चलो भाई एक आध महीने में सब कुछ बेच बाच के दुकान बंद कर देंगे। आप लेते हैं शॉप रॉन्ग पर्पज़ के लिए, अपना बिजनेस वगैरह सेट करने के लिए, तो वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं, फिक्स्ड एसेट में आते हैं। तो 1,74,000 पाउंड की यहाँ पे शॉप ली है, 1,74,000 पाउंड की यहाँ पे शॉप ली है। तो टोटल फिक्स्ड एसेट का आया है 1,98,000। तो अगर हम इन फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स को जमा करें, तो यानी ऐड करें, तो हमारे पास वैल्यू आई है 2,83,166 पाउंड।
तो ये हमारे हैं टोटल एसेट्स। अब हमारा जो लाइबिलिटीज और कैपिटल का एडिशन होगा वो भी इसके बराबर होना चाहिए जब हम बोलेंगे हमारा सवाल, हमारा बिजनेस वगैरह सब सही है। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, सबसे पहले क्रेडिटर्स तो दिया हुआ ही होता है 23408, क्योंकि उधार मांगने वाले तो वैसे ही बहुत हैं, हम क्रेडिटर तो खैर हम हैं, हम उधार मांगने वाले हैं, क्रेडिटर तो बेचारे पैसे लेने वाले हैं हमसे, लेकिन डेब्टर्स भी बहुत होते हैं। 23408 इसकी वैल्यू है 23408 पाउंड। उसके बाद हमारे पास कैपिटल, कैपिटल में सबसे पहले आपके पास इनिशियल कैपिटल होता है जो कि आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपने बिजनेस में कितना पैसा डाला था बिजनेस स्टार्ट करने के, जो अभी है 1,94,272 पाउंड। तो मैं इसको इनिशियल कैपिटल का नाम दे देता हूँ जिसकी वैल्यू है 1,94,272 पाउंड। उसके बाद हमारे पास होता है एक ड्रॉइंग, ड्रॉइंग वो होता है जो आप अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल में, वो आप उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं अपने कोई पर्सनल यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जिसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं हो, इसलिए वो आपका ड्रॉइंग में आता है कि आपने बिजनेस से तो पैसा निकाल लिया, अब वो बिजनेस में रिकॉर्ड हो गया, बाकी आप उस पैसे का कुछ भी करो। तो 44,000 पाउंड हमने यहाँ से विड्रॉ किए हैं अपने बिजनेस में से, 44,000। अच्छा, ड्राइंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसको लिखा करें ब्रैकेट में, बिकॉज ब्रैकेट मीन्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू फ्रॉम समथिंग, जो कि हम इनिशियल कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगली हमारे पास होती है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मैंने आपको बोला था कि इसको प्लस करके शो कर दिया करें कि जिससे पता चले कि आप इसको ऐड कर रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू में, जो कि इनिशियल में से माइनस करके ड्राइंग को जो वैल्यू आएगी उसमें नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर रहे हैं। तो या तो आप यहाँ पे ADD ऐड करके कॉलन लगा के लिख दें, या फिर आप ऐसे प्लस का साइन डाल के भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई थी ये देखें, इनकम स्टेटमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है 1,09,486 पाउंड, 1,09,486 पाउंड। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट था। तो हम अब देखते हैं कि हमारा टोटल लाइबिलिटी और टोटल कैपिटल एक जितना आता है या नहीं। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 44,000 को, और फिर उसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट को 1,09,486, और उसमें ऐड करना है टोटल लाइबिलिटीज़ को जो कि है 23,408। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एसेट्स की बिल्कुल इक्वल आ चुका है 2,02,83,166 पाउंड, जो कि हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है, हमारा बिजनेस बिल्कुल सही है, कोई घाटा नहीं है, किसी ने बीच में से कोई पैसे नहीं मारे हुए, सब हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो गया है, इनकम स्टेटमेंट वगैरह बैलेंस शीट हमारा बिल्कुल सही बना है, यानी इस सवाल में आपको पूरे नंबर। तो इनकम स्टेटमेंट वगैरह में कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक रह जाती है, अगर मैं यहाँ पे 2,4 की जगह 2,0 लिख देता तो थोड़ी सी वैल्यू की भी फ़र्क आ जाती है ना, तो एग्जामिनर या चेकर जो होता है उसके लिए एक अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं रहता कि दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे, लग रहा है बच्चे ने कहीं पीछे जो है ना ब्लंडर मार दिया, तो वो फिर आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करा करें वैल्यूज़ को ध्यान से पढ़ें, उसको बिल्कुल ध्यान से लिखें और फॉर्मूले सही लगाएं। ये नेट प्रॉफिट वगैरह की जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे इनकम स्टेटमेंट में, ये आप इसको बिल्कुल याद रखें, टेक्निकली भी ऐसे मेमोराइज कर लें, या फिर आपको मैंने वैसे भी बताया था कि आसान है बिल्कुल, इसको आप वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 7 की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करते हैं ताकि जब अगली वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मैं आपको सवाल का एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये हमारी बैलेंस शीट है, इसके बाद अगर हम ऊपर चलेंगे हमारी नेट प्रॉफिट थी और इनकम स्टेटमेंट थी, उसके बाद हमारे पास ये हमारा सवाल था। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।